एमपी के हरदा में आदिवासी किसान सम्मेलन में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रेस वार्ता में कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में कोई विकास नहीं किया। प्रदेश भ्रष्टाचार, कुपोषण, महिलाओं पर अत्याचार में नंबर वन है और ये विकास यात्रा निकाल रहे हैं, ये इनकी निकास यात्रा में बदल देगी। हरदा जिले की टिमरनी विधानसभा की सिराली तहसील में आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ आदिवासी किसान सम्मेलन में शिरकत की। आम सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और कुपोषण और महिलाओं पर अत्याचार में नंबर वन है और ये विकास यात्रा निकाल रहे हैं, ये उनकी विकास यात्रा नहीं बल्कि निकास यात्रा है। विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहां इतने धर्म, भाषा, जाति और अत्याचार हो रहे हो। जनता पर पूरा विश्वास है कि ये तस्वीर मध्य प्रदेश की अपने सामने रख के वे सच्चाई का साथ देंगे। आज प्रश्न एक चुनाव का केवल नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य का, हमारे नौजवानों के भविष्य। शिवराज जी ऐलान करते हर 3 महीने कि 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मैं तो कहता हूँ शिवराज जी आप तो रिक्त पद भर दीजिए, आप रिक्त हमारे एससी और एसटी के जो रिक्त पद हैं इनको नहीं भरते और 1 लाख नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। ये घोषणा मशीन, ये भ्रष्टाचार की मशीन, मुँह चलाने से प्रदेश में चलता, ये हमें याद रखना। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।